दोस्तों, अगर आप लोग भी Redmi Note 4 मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या Redmi का MI का कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपने यहाँ पे कोई हेडफोन लगाया है या माइक लगाया है और आपने माइक को निकाल दिया है या हेडफोन को निकाल दिया है लेकिन जो आपका आईकॉन ऊपर है वो हट नहीं रहा है, वो शो हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसको अपन किस तरीके से सही कर सकते हैं, आज की इस कम्प्लीट वीडियो को कम्प्लीट जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं कि Redmi Note 4 मोबाइल में या MI के कोई मोबाइल में ये अपनी जो माइक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या हेडफोन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ये अपना जो लोगो बना आ रहा है, जो आईकॉन बना आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसको अपन कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने आसपास जितना भी कार्बन खोलता है या कुछ भी, मतलब कुछ भी मान लीजिए आप खोलता है, तो होता क्या है, अपनी जो पिन होती है, अपन हेडफोन लगाते हैं, यहाँ पे हेडफोन लगाते हैं, माइक लगाते हैं, यहाँ घुस जाता है और अपन कोई भी हेडफोन को यहाँ पे लगा देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो कार्बन अंदर की जो पिनें होती हैं उनमें चिपक जाता है और माइक को निकालते हैं तो कार्बन जो रहता है चिपका हुआ रहता है। उस कारण से उसको होता क्या है, अपने यहाँ पे हेडफोन का जो आइकन होता है वो, मतलब जो लोगो होता है वो दिखाई देता है, वो अपना हेडफोन या माइक रिमूव नहीं हो पाता। तो वो करना क्या, ध्यान दीजिए, आप कोई भी एक सीख लीजिए या सूजी लीजिए, उस पर रुई लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपको करना क्या है, ये जो पिन है इसको आपको साफ कर लेना है, साफ करिएगा और मोबाइल को रीसेट करके चालू कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम दोस्तों सही हो सकती है। और बताऊँ दूसरा तरीका होता क्या है, मान लीजिए कि आपका ये भी करने के बाद प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, तो करना क्या है, जो आपने हेडफोन लगाया है, लगाने के बाद निकाला है, लेकिन आपका जो माइक का आइकॉन है या जो आपका हेडफोन का आइकॉन देखने को मिलता है आपके लिए ऊपर जो अपन लगाते हैं हेडफोन, वो आपका डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो करना क्या है, आपको दूसरा कोई हेडफोन जो थोड़ा सा अच्छा हेडफोन हो उसको लगाइएगा, उसको लगाने के बाद रिमूव कीजिएगा। ऐसा करने के लिए दोस्तों होगा क्या, आपका जो माइक का जो हेडफोन का जो आइकॉन है, जो माइक का अपन लगाते हैं, इसमें माइक लगाते हैं या हेडफोन लगाते हैं, अगर वो आइकॉन देखने को मिल रहा है तो वो हट जाएगा। इस तरीके से अपने हेडफोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताएंगे आपकी तीसरा तरीका दोस्तों, होता क्या, कई बार होता क्या कि पिन यहाँ पर लगाते हैं, जो वाली पिन लगाते हैं, तो कई बार होता क्या, पत्तियां जो होती हैं अंदर, जो 3-6 पत्तियां होती हैं, मतलब क्लिप होती हैं, डोरियां होती हैं, बार होते हैं, कुछ समझ लीजिए, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि जो हेडफोन का आइकॉन होता है वो रिमूव नहीं होता, तो वो करना क्या है, ये जो पिन होती है हमारी Redmi Note 4 में, ये वाली पिन को आपको चेंज कर, चेक दे सकते हैं कि आप अपने हेडफोन लगाते हैं, इसको आपको चेंज करवा लेना है, ज्यादा महंगा चेंज नहीं होगा, मात्र 50-60 रुपए में चेंज रहता है। इस तरीके से आप Redmi Note 4 के हेडफोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हेडफोन आइकॉन की जो प्रॉब्लम आती है वो ऐसे आप सही कर सकते हैं और किन कारण से आती है आपको वो भी बता दिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।